3D प्रिंटर फ्यूचर के अंदर सस्ता होगा और क्या स्कोप है? मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा स्कोप है। अभी तक कोई, मुझे ऐसा लगता है, कोई आउटस्टैंडिंग चीज नहीं कर रहा है इस चीज के ऊपर। मैंने एक आइडिया किसी से शेयर किया था, शायद उसके ऊपर वो काम भी कर रहा है, कंसल्टेशन के ऊपर आया था वो। तो हमको क्या करना है, हमको एक स्कैनर लेना है। मैं जैसे उसमें अंदर घुस गया, वो मशीन के अंदर घुसा और उसने मुझे चारों तरफ से स्कैन कर लिया। अब उनके पास मेरी 3D फोटो आ गई है, अब 3D प्रिंटर उसको प्रिंट कर देगा। तो मेरा एक कैरिकेचर बन गया हाथ के हाथ। अब मेरे पास जितना पैसा है उतना बड़ा प्रिंट करा सकता हूँ, इतने इतने खिलौने बना सकता हूँ, बड़ा बड़ा बना सकता हूँ और बड़ा बना सकता हूँ। अगर हम बात करके चले, कॉस्ट कुछ भी नहीं आती एक प्रोडक्ट बनाने के लिए। हमने मॉल्स के अंदर मशीनें लगा रखी है स्कैन और प्रिंट की। वहां बंदे जाते हैं, अंदर बैठते हैं, स्कैन करते हैं अपने आप को और क्लिक करते हैं, और उनका कैरी एकदम दिखने वाला हूबहू छोटा सा डोना टाइप बन जाता है। तो कितनी फाड़ चीज हो सकती है अगर ये चीज हो जाए तो, ठीक है? पर कोई इस चीज को कर नहीं रहा। मेरे को पर्सनल लगता है ये चीज करी जा सकती थी और बहुत कम रेट के अंदर करी जा सकती है। स्टार्टिंग के अंदर शुरू करो, धीरे धीरे ग्रो कर सकते हो। आप ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हो जहाँ पे अलग अलग जगह पे स्कैनर्स होंगे, आपको जाना है उन स्कैनर्स के अंदर बैठना है और स्कैन होने के बाद वो डिजिटली हमारे पास इंटरनेट पे फोटो आ जाएगी। अब हमारा जो हब होगा वहां पे प्रिंट होगा, प्रिंट होने के बाद उनके घर पे होम डिलीवरी कर देंगे। ये चीजें भी हो सकती है फ्यूचर के अंदर, मुझे ऐसे पर्सनली लगता है। तो 3D प्रिंटर इज अ फ्यूचर। अगर आप 3D के ऊपर ग्राफिक डिजाइनिंग सीख सकते हो तो सीखो, 3D के ऊपर काम कर सकते हो तो करो, क्योंकि फ्यूचर यही होने वाला है।